अब आते हैं सर 2024 की तरफ क्योंकि आप बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं नागपुर आप कह रहे हैं बिना पोस्टर लगाए बिना चाय पिलाई भी जनता आपके काम पर आपको वहां पर वोट देगी एक राय लोगों में बन रही है कि 2014 से लेकर 2024 तक क्या बीजेपी का मतलब मोदी नाम केवलम हो गया है देखिए एक बात याद रखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे हमारा एक अक्सर उदाहरण बताते हैं कि साइकिल चलाते समय जो साइकिल बहुत अच्छी चाहिए पर उसके टायर ट्यूब में जो ट्यूब होती है उसमें वॉल लगता है और वॉल निकल गया तो हवा निकल जाती है और जब तक साइकिल में हवा नहीं होती तो गाड़ी नहीं चलती तो हर पार्टी में विचारधारा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है और नेता इम्पॉर्टेंट है <coughs> आपको जो सपोर्ट मिलता है पब्लिक का वो पार्टी को भी मिलता है विचारधारा को भी मिलता है और नेतृत्व को भी मिलता है और ये बात सच है कि पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनके नेतृत्व को एक स्वीकार्यता मिली है और वो पार्टी के कार्यकर्ता है नेता है पूर्ण समय काम करते रहे हैं तो संगठन विचारधारा और नेतृत्व ये तीनों का ओवरऑल जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ही हम चुनाव जीतते हैं जब अटल जी थे तो अटल जी हमारे नेता थे आज मोदी जी है मोदी जी हमारे नेता हैं तो मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है कार्यकर्ताओं की पार्टी और जब मैं अक्सर मेरे बारे में बोलता हूँ मुझे अभी भी दिल्ली मालूम नहीं मुझे कोट नहीं था मैं पहली बार ठंड में आया था तो मैंने हमारे यहाँ गार्ड का कोट पहना था पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्योंकि मैं दिल्ली आता ही नहीं था और जब आया तो प्रेसिडेंट बन के आया था मैं तो टपरी रहने पोस्टर लगाने का काम करता था दीवारों पर लिखने का काम करता था मैंने अपना बायोडाटा किसी को दिया नहीं मैंने कभी किसी को कोई मांगा नहीं और मैं अध्यक्ष बन के आया तो मैं कहता हूँ ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ पार्टी में सबको समान मौका मिलता है और इसी के कारण पार्टी विथ ए डिफरेंस ये पार्टी का एक कैरेक्टर है और इसलिए ये पार्टी विचारधारा के आधार पर राष्ट्रवाद गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एट अनोल है कि जो लोग सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन उसको रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा ये अंत्योदय का थिंकिंग हमारा उद्दिष्ट है हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हम देश के लिए काम कर रहे हम गरीब के लिए काम कर रहे हम गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है और हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी और मोदी जी हमारे नेता हैं अब विपक्ष पर आते हैं जरा कि 2024 में आप क्या मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं उनके नए लुक की भी चर्चा कर रहे हैं फिर हेमंत बिस्व शर्मा देखिए आपके मुख्यमंत्री आ जाते हैं उन्होंने उनकी तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी आपको भी ऐसा लगा क्या देखो भाई मैं इन सब वाद विवादों में पढ़ना नहीं चाहता मुझे लगता है कि विपक्ष में है लोकतंत्र के यशस्वी होने के लिए जितनी सत्तारूढ़ पार्टी रूलिंग पार्टी आवश्यक है उतनी अपोजन पार्टी आवश्यक है मैं कल ही यूट्यूब पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण सुन रहा था अटल जी ने कहा कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तुलना वर्ल्ड के दो ऐसे नेताओं के साथ की जिससे पार्लियामेंट में काफ़ी विवाद हुआ था और बाद में उन्होंने कहा कि इतना होने के बाद रात को जब नेहरू जी मुझे, मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा भाषण किया और इसलिए टीका टिप्पणी करना यह विपक्ष का अधिकार होता है और उसमें हमने टॉलरेंस से उसको स्वीकार करना चाहिए और जहाँ तक राहुल गांधी है उनकी पार्टी आज वो विपक्ष में उनको जनता ने जिम्मेदारी दी है उन्होंने अच्छे विपक्ष का काम करना चाहिए हमें सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी दी है हमने गुड गवर्नेंस के साथ देश का विकास करने का काम करना चाहिए फिर पाँच साल के बाद जनता के अदालत में जाएंगे जनता जो भी निर्णय लेंगी वो स्वीकार करेंगे अगर फिर से चुन के देंगे तो गुड गवर्नेंस के साथ देश का विकास करेंगे अगर जनता नाराज हुई तो विपक्ष में रहकर जनता की सेवा करेंगे रहु ये लोकतंत्र में होता ही है राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं आपको लग रहा है कि वो लोगों को क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि बहुत बड़ी भीड़ आ रही है उनके भारत जोड़ो यात्रा भाई देखो हर आदमी को मेहनत करने का अधिकार है जिसमें जितनी ताकत हो अजमल है लोकतंत्र है सब चैनल चल रही है सबके कार्यक्रम चल रहे हैं जो जो कॉम्पिटिशन में अपना पिटाएगा वो आगे जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ऐसे ही चलता है जैसे तुम्हारे मीडिया में है वैसे पॉलिटिक्स में है स्पर्धा है स्पर्धा होनी चाहिए पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अच्छी बात कही थी उन्होंने कहा मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए हम लोग वैचारिक दृष्टि से भिन्न हैं पर हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं हम पार्लियामेंट में बैठेंगे वो बातें बताएंगे, हम जवाब देंगे चर्चाएं होगी और हम आगे जाएंगे